हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे, इसमें हमने दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट किया था। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे कि इसमें क्या क्या हुआ। तो इसमें लगभग क्या था ना, स्लेव डायनेस्टी हमने कवर किया था, जिसके कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको हम लोग गुलाम वंश भी बोलते हैं, इबारी डायनेस्टी भी बोलते हैं, ये हमने कवर किया था। फिर इसके स्लेव डायनेस्टी के जो गुलाम थे वो खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, वो स्टार्ट हुआ। खिलजी डायनेस्टी के बारे में हमने कवर किया था। तो दो डायनेस्टी हमने कवर कर लिया था और ये तीन डायनेस्टी बाकी रह गई थी, लोधी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी। तो आज के इस वीडियो में हम ये तीन डायनेस्टी कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या होता है ना, तुगलक डायनेस्टी कब स्टार्ट हुआ, तो ये पूछता है एग्जाम में। तो ये 1320 से लेकर 1414 AD तक ये इसका शासन काल चला था। तो स्टार्ट करने वाले कौन थे, ग्यासुद्दीन तुगलक थे। ये देखते हैं हम लोग, ये ग्यासुद्दीन तुगलक है, इसका पिक्चर्स देख सकते हैं ग्यासुद्दीन तुगलक का। ठीक है, तो ये पहले क्या थे ना, ये तो ऐसा तो नहीं था ना कि ये तुगलक डायनेस्टी बना तो ये सीधा गवर्नर थे। तो पहले तुगलक डायनेस्टी से पहले यह क्या था, ये तो हमें पता है कि ना, तुगलक डायनेस्टी बना तो ग्यासुद्दीन तुगलक उसके राजा बने, फर्स्ट रूलर बने। तो पहले तो ये पंजाब के गवर्नर थे। ठीक है, कौन से रीजन पे, तो अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल चल रहा था, तो उस समय उनके गवर्नर थे पंजाब के। और तुगलक डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई किलिंग द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, यानी खिलजी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर, यानी जो अंतिम शासक थे, जो राज गद्दी पर बैठे हुए थे, उनको मारने के बाद ही ये नया डायनेस्टी स्टार्ट हुआ। जैसे खुसरो खान, ठीक है, वो लास्ट रूलर थे अपना खिलजी डायनेस्टी के, तो उनको मारने के बाद ये ग्यासुद्दीन तुगलक ने एक नया डायनेस्टी स्टार्ट किया, जिनका नाम तुगलक डायनेस्टी था। तो इसके समय में हुआ क्या, नहीं, दो चीज हुए थे, एक वेल्स और कैनल्स, ठीक है, कुआं बोल सकते हैं, नहर बोल सकते हैं, ये सब इरिगेशन के लिए इन्होंने स्टार्ट करवाया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया। ठीक है, रिटर्निंग फ्रॉम बंगाल कैंपिंग, ठीक है, यानी बंगाल कैंपिंग से ये वापस जब आ रहे थे, तो कब आ रहे थे, 1325 में। तो ही डाइड बाई बरेड इन वुडन पैलेस बिल्ड बाय जनरल जुना खान। तो इसका एक स्टोरी है कि जनरल जुना खान ने एक पैलेस बनवाया था, ठीक है, तो वुडन का पैलेस था, लकड़ी का वो महल था। तो वहाँ से जब ये बंगाल कैंपिंग से वापस लौट रहे थे, तो वहाँ पे रुके थे रात को, और वहाँ पे आग लग गई थी उस पैलेस में, और वहीं पे जलने के कारण इनकी हत्या हो गई थी, मतलब कि मर गए थे ये। तो ये था ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में, कुछ ज़्यादा नहीं, छोटा सा टॉपिक था हमने देखा। आते हैं हम लोग अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो ग्यासुद्दीन तुगलक का तो डेथ हो गया ना, तो अब नेक्स्ट रूलर कौन बनेंगे, तो वही ये ग्यासुद्दीन तुगलक जैसे मर गए, तो जुना खान जो थे वो थ्रॉन यानी गद्दी को संभाले, एसेडिंग द थ्रॉन अंडर द नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे। तो ये पूछ सकता है कि जुना खान कौन थे, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ही है, ठीक है, उन्हीं का दूसरा नाम है, बोल सकते हैं जुना खान। ड्यू टू हिज बिहेवियर एमंग ऑल द सुल्तान, मीन्स जितना अदर सुल्तान था उसके ऊपर अगर हम इसका बिहेवियर देखें, तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ही वॉज कॉल्ड ड्रीमी, ठीक है, इसको एक ड्रीमी बोला जा सकता है, मैड एंड ब्लड थ्रिस्टी, ठीक है, ये इसको ये बोला जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, इसने अपना कैपिटल जो है ना, तो वो शिफ्ट कर गया। तो बेसिकली हुआ क्या था ना, ये दिल्ली सल्तनत में कैपिटल शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा हुए थे, तो ये सब ध्यान में रखेंगे आप लोग कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल जो है दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था। आते हैं और इसके बारे में और देखते हैं, या पिक्चर्स देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का। तो मोहम्मद बिन तुगलक स्टेबलाइज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, इसने एक अलग से एक डिपार्टमेंट तैयार किया जिसका नाम था आमिर ए कोही, ठीक है, आमिर ए कोही फॉर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, अगर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक में ये मतलब बोल सकते हैं कि SSC का जो CGL बोल सकते हैं, CGL CHSL, तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट पूछता था कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते थे, तो आमिर ए कोही बोलते, तो ये इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लेंगे। ठीक है, ही हैड अपॉइंटेड इबन बटुआ, ठीक है, और मोरोकन ट्रैवलर्स एज काजी ऑफ दिल्ली, तो उसको ये दिल्ली में एज अ काजी के रूप में अपॉइंट किए थे। ठीक है, इबन बटुआता हैज डिस्क्राइब्ड द इवेंट ऑफ द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक इन हिज बुक। तो उनको काजी के रूप में अपॉइंट करने के बाद हुआ क्या था ना, तो वो क्या किए थे इसके बारे में, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या क्या इनका घटना हुआ, कैसे कैसे युद्ध लड़े, ठीक है, जो भी इनका हिस्ट्री था, उसको अपने एक बुक जो है रेहला नाम है बुक का, उसमें इतने सारा मेंशन किया था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दो
गार्डन्स ठीक है बोल सकते हैं, मोहम्मद तुगलक हैज अपॉइंटेड टू गार्डनर्स ठीक है, जिसका नाम एक लाधा था एक पीरा एंड फिरोज हजीमा एंड टू हाई पोजिशन ठीक है। तो ये चीज़ें थी मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड, पिक्चर्स आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है ना, फिरोज तुगलक के बारे में देखेंगे। तो फिरोज तुगलक जो है वो गद्दी पे कब बैठे, तो ये लगभग 1351 में गद्दी पे बैठे थे फिरोज तुगलक। तो इससे इम्पोर्टेंट ये रहेगा किसने चार तरह का टैक्स लगाया था ठीक है। तो पहला टैक्स जो था खराज ठीक है, जो लगान बोलते हैं, खुम्स बोलते हैं, जो स्पॉइल्स ऑफ वार के लिए था, एंड जजिया। जो पहले तो लगाने वाले कोई और थे, मैंने बताया था आपको, आप देखे नहीं तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। पर जजिया को ब्राह्मण पे लगाने वाले कौन थे, ये फिरोज तुगलक थे, क्योंकि पहले जो जजिया हुआ करता था तो वो मैंने बताया था कि ये उनको लगाया जाता था जो गैर मुस्लिम है, यानी जो मुस्लिम नहीं है उनको दिया जाता था ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी जकात तो आप लोगों को पता है कि मुस्लिम जो रहते हैं वो मतलब जो अपना जो भी कमाई करते हैं तो उसका 1/10 यानी 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस जो भी वो किए हैं उसका वो डोनेट करते हैं, दान करते हैं। तो जकात वो ऐसा होता है कि अगर एक हाथ से आप दो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चले कि आपने क्या डोनेट किया, कितना किया। तो ये जकात रहता है। तो ये था फिरोज शाह तुगलक के बारे में। आते हैं नेक्स्ट, फिरोज तुगलक पे ही स्टेबलाइज मैनी न्यू सिटीज, इसने बहुत सा सिटीज का बोल सकते हैं बनाया, स्टेबलाइज किया, जैसे फिरोजपुर ठीक है, फिरोज तुगलक ने ही बनाया है फिरोजपुर, फतेहाबाद, हिशर, जौनपुर और फिरोजाबाद ठीक है। ये सारा स्टेबलाइज किसके द्वारा किया गया था, फिरोज तुगलक के द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट, दीवान ए खैरत वॉज स्टेबलाइज टू हेल्प मुस्लिम वुमेन एंड विडो। तो ये पूछ सकता है कि दीवान ए खैरत जो है वो स्टेबलाइज क्यों किया गया था, तो मुस्लिम वुमेन और विडो को हेल्प करने के लिए ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1368 AD 1368 AD में जो फिफ्थ फ्लोर था कुतुब मीनार का, ये पूछता है एग्जाम में कि फिफ्थ जो कुतुब मीनार है बनाने वाले तो कोई और थे, पर उसका जो फिफ्थ फ्लोर का जो कंस्ट्रक्शन है वो किसके द्वारा किया गया था, फिरोज तुगलक। ये नहीं इंपॉर्टेंट रहता है कि कब किया गया था, पर ये किसके द्वारा किया गया था, तो फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला क्या है ना, जो लास्ट रूलर है तुगलक डायनेस्टी का, तो ये तुगलक डायनेस्टी खत्म हो रहा है तो पूछ सकता है कि लास्ट रूलर कौन है। तो लास्ट रूलर जो है तुगलक डायनेस्टी का वो है नसरुद्दीन महमूद तुगलक ठीक है। हमने तीन के बारे में देखा था ठीक है, ग्यासुद्दीन तुगलक मैंने बताया ठीक है, अभी आपको मैंने बताया ग्यासुद्दीन तुगलक, मैं फिर से एक रिवाइज दे देता हूँ। हाँ देखिए, मैंने पहले बताया कि ग्यासुद्दीन तुगलक थे, खुसरो का डेथ के बाद इन्होंने स्टार्ट किया था बोल सकते हैं तुगलक डायनेस्टी ठीक है, वुडन प्लेस में इनका डेथ हो गया था, उनका प्लेस जलने के कारण। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आए थे ठीक है, ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में मतलब उनके मरने के बाद फिर ये इसने कैपिटल शिफ्ट किया दिल्ली टू दौलताबाद, इंपॉर्टेंट ये रहेगा। फिर नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक आए थे आमिर ए कोही, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था जो इन्होंने स्टार्ट करवाया था, और एक काजी के रूप में दिल्ली में एक अपॉइंट किया था, जिसने एक बुक लिखा रहला, उसने उसमें इसके बारे में लिखा हुआ था। तो ये चीज़ था। एंड इसमें मैंने बताया था टैक्स के बारे में बताया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या क्या टैक्स लगता था, जजिया ब्राह्मण पे लगाने वाले कौन थे, फिरोज तुगलक थे ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमने देखा, और लास्ट रूलर नसीरुद्दीन महमूद तुगलक खत्म। अब आते हैं फिरोज तुगलक में एक और चीज़ है, तैमूर लंग अटैक दिल्ली इन 1398। तो तैमूर लंग ने क्या हुआ था ना, अटैक कर दिया था दिल्ली पे 1398 पे, एट द टाइम ऑफ नसीरुद्दीन तुगलक, जो उस समय क्या है ना नसीरुद्दीन तुगलक थे वहाँ गद्दी पे बैठे हुए उसी समय। अब आते हैं रावर, रावर एज्यूमिंग द टाइटल ऑफ माली खुशरक शक ठीक है। तो ये बोल सकते हैं माली खुशरक्षक ने एक टाइटल एज्यूम मतलब कि रखा था, स्टेबलाइज एंड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ जौनपुर ठीक है, जौनपुर एक नया स्टेट बनने के बाद। अब आते हैं मालिक शाह रावेल रूल जौनपुर, और मालिक शाह रावेल ने जौनपुर पे मतलब क्या बोलते हैं रूल किया, शासन किया इन द नेम ऑफ सार्की डायनेस्टी। तो बोल सकता है कि मालिक शाह रावर ने जौनपुर में रूल किया था वो कुछ डायनेस्टी पे रूल किया था, सार्की डायनेस्टी। सार्की डायनेस्टी पे रूल करने वाले कौन थे, तो मालिक शाह रावर थे ठीक है। तो ये था। अब अगला है सैयद डायनेस्टी, तो इससे ज़्यादा बड़ा डायनेस्टी नहीं, छोटा सा डायनेस्टी है कि ये 1414 से स्टार्ट हुआ, 1451 तक चला। खिजर खान का पिक्चर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन्होंने ही सैयद डायनेस्टी का बोल सकते हैं फाउंडर है, यही है फाउंडर, इन्होंने ही स्टार्ट किया। खिजर खान वॉज द जनरल ऑफ तैमूर लंग, ये तैमूर लंग के एक जनरल थे ठीक है। एंड लास्ट रूलर जो था सैयद डायनेस्टी का अलालुद्दीन अलाम शाह ठीक है, ये लास्ट रूलर थे सैयद डायनेस्टी के।
तो इसी के साथ आपका ये बोल सकते हैं ये डायनेस्टी खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग लोदी डायनेस्टी देखेंगे जो 1451 टू 1526 तक चला। स्टार्ट करते हैं लोदी डायनेस्टी, ठीक है, एक पिक्चर्स, ठीक है, लोदी डायनेस्टी का है। इसमें तीन शासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो तीन शासक जो थे, बहलोल लोदी ने शासन किया, सिकंदर लोदी ने किया और इब्राहिम लोदी ने किया। तो ये तीनों ने दिल्ली पे शासन किया लोदी डायनेस्टी के अंतर्गत। तो देखते हैं बहलोल लोदी, तो बहलोल लोदी ही फाउंडर थे लोदी डायनेस्टी के, ठीक है। तो इसका फाउंडर कब हुआ था, 1451 में, ठीक है, बहलोल लोदी फाउंडर थे। और जो इसका क्रेडिट होता है स्टेबलाइजमेंट का, ठीक है, द क्रेडिट फॉर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द फर्स्ट अफगान स्टेट, ठीक है, अफगान स्टेट इज गिवन टू बहलोल लोदी। तो इसका एक क्रेडिट भी बहलोल लोदी को ही जाता है कि उन्होंने अफगान स्टेट का स्टेबलाइजमेंट किया है। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होता है, इसके जो सन थे निज़ाम खान, ठीक है, वही गद्दी पे बैठे। कि बहलोल लोदी भी तो ऐसा थोड़ी है ना कि वो 100-200 साल तक गद्दी पे बैठेंगे। तो उनके मरने के बाद उनके जो सन थे निज़ाम खान वो गद्दी पे बैठे। किसके नाम पे, नाम तो उनका निज़ाम खान था पर वो गद्दी पे जब बैठे तो सुल्तान सिकंदर शाह के नाम पे गद्दी पे बैठे, गद्दी संभाले बहलोल लोदी के बाद। अब आते हैं सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी, ठीक है, सिकंदर लोदी ने एक सिटी बनाया जिसका नाम आगरा रखा गया 1504 AD में, ठीक है। सिकंदर लोदी ने इंट्रोड्यूस किया गज ए सिकंदरी, ठीक है, इन्होंने ही गज ए सिकंदरी इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम लोग कंसाइडर करते थे एक ऑथेंटिक मेथड ऑफ लैंड मेजरमेंट, ठीक है। अगर जमीन को हम लोग को मेजर करना है तो उसका एक ऑथेंटिक मेथड होना चाहिए, तो उसी को मेजर करने के लिए इन्होंने गज ए सिकंदरी स्टार्ट किया था। सिकंदर लोदी ने आगरा को नया कैपिटल बनाया, क्योंकि आगरा को पूछ सकते हैं ना कि आगरा को बनाने वाले कौन थे, सिकंदर लोदी ने ही स्टेबलाइज किया और उसको कैपिटल भी, नया कैपिटल इन्होंने ही बनाया था, ठीक है। तो ये चीज था। आगे देखते हैं इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी वॉज डिफेक्टेड बाय बाबर, इसको बाबर के द्वारा हरा दिया गया, ठीक है, इन 1526 में इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। द इन्विटेशन टू बाबर टू अटैक इंडिया वॉज गिवन बाय दौलत खान एंड अलाम खान, ठीक है। तो बाबर ऐसा थोड़ी है ना कि आया कुछ दुश्मनी नहीं, आया मारा हरा दिया, ऐसा नहीं है ना। उसको बुलाने वाले कौन थे, तो ये था दौलत खान और अलाम खान ने बुलाया बुलाया था उनको, जो कि पंजाब के रूलर थे। पंजाब के रूलर ने बुला लिया बाबर को कि आओ लोदी पे अटैक करो, इब्राहिम लोदी पे, और अटैक किया, हरा दिया उनको। फिर वहीं से फिर अपना मुगल शासन चालू होता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो दिल्ली से कनेक्टेड है, देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कनेक्टेड विद दिल्ली सकते हैं। जैसे कि देवल, ठीक है, देवल वॉज फेमस एज एन इंटरनेशनल पोर्ट, ये इंटरनेशनल पोर्ट हुआ करता था, ठीक है, सल्तनत पीरियड में। दिल्ली सल्तनत वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल प्रोविंसेस, दिल्ली सल्तनत को बहुत सा प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया, जिसको हम लोग इक्ता और सूबा बोलते थे। दीवाने खैरत, दीवाने खैरत को एक चैरिटी डिपार्टमेंट बोलते हैं, दीवाने खैरत को। दीवाने इंशा, जिसको हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट बोलते हैं, एंड खजीन, जिसको हम लोग ट्रेजर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ वर्ड्स है जो लोग अपना बोलते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना तिजोरी हमने लूट लिया, खजाना लूट लिया, ट्रेजर लूटा, तो लोग बोलते हैं खजीन बोलते हैं उसको। हम लोग जैसे चैरिटी डिपार्टमेंट बोलते हैं, तो वो बोलते थे इसको दीवाने खैरत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था दिल्ली से रिलेटेड। ये जो है नेक्स्ट हम लोग विजयनगर एम्पायर है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।